thinks of circular motion. ये थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट है. सो देखो, जदों भी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन सॉल्व करनी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे आर्टिकल है चाहे न्यूमेरिकल है, तो एक गल का ख्याल रखना कि कोई भी जो सर्कुलर मोशन है वो एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन, प्लेन च हो रहा है. वो अलग गल है कि वो प्लेन होरिजोंटल है कि वर्टिकल है, वो एक अलग इशू है. तो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी आर्टिकल जिसे बॉडी सर्कल च घूम रही है वो मोशन इन प्लेन है, मतलब 2D प्रॉब्लम है, 2 डायमेंशनल. ठीक है, ज्यादातर सर्कुलर मोशन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले ही होंगे, बट कुछ वर्टिकल भी हो सकते हैं. तो पहला तो आप प्लेन नु पहचान लेना. अगला स्टेप की करना तुसी, देखो जी क्लैरिटी होनी चाहिए है, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ वर्टिकल है ना. हुण अगर मैं कहूँ कि एक आदमी मोटरसाइकिल ते साइकिल ते स्कूटर ते मोड़ कट रहा, टर्न ले रहा, तो वो होरिजोंटल प्लेन ते काम हो रहा, सारा ऐसा हो रहा. पर हुण ऐसा ना बोर्ड इदा रख लीए तो फिर तुहानू नहीं नजर आना, ते हुण तुहाडे नजर लई वर्टिकल लगाया हुआ है ना. इहदा मतलब हुण इत्थे जिहड़ा आह वाला सर्कल है वो इस तरह शो होना. थोड़ा जा विजुलाइज करने लिए मतलब माइंड जेड़ा वा उन्हें थोड़ा एक्टिव करना पड़ना, वैसे ना थोड़ा नहीं सारे करना चाहिए और हर केस च, बट इतने थोड़ा विजुलाइज जो नजर आना ना उन्हें समझना पड़ना, थोड़ा क्लैरिटी रखनी. हूँ एक और गल सुन लो, एक तो आप याद रखना कि सर्कुलर मोशन मोशन इन ए प्लेन है. दूसरा एक हुंदा पूरा सर्कल, पर एक है जदों असी टर्न ले रहे हैं, मोड़ कट रहे हैं. हुण मान लो आ एक सड़क आ रही है, आज इधरों भी सड़क आ रही है ना. हुण असी इधर नूं इतना जा रहे हैं, असी राइट टर्न इतना लेनी है, इतना चलते चलते आ मोड़ कट लिया. हुण आ जिहड़ा पोर्शन है ना ध्यान रखे वाला, तो आ नोट करो, मोड़ कटते वक्त ना थोड़ा रस्ता आ तो स्ट्रेट सी, आ भी स्ट्रेट है, पर मोड़ कटते वक्त कर्व्ड है. हुण आ जिहड़ा कर्व्ड पाथ है टर्न लेंदे वक्त दा, तो अगर आपां इहनूं इदां एक्सटेंड करके देखिए तो आ कर्व्ड पाथ पार्ट ऑफ सर्कल है, सर्कल दा हिस्सा वा. तो हर कर्व्ड पाथ पार्ट ऑफ सर्कल असीं मन के चलना. हुण आ जिहड़ा कर्व्ड पाथ है मोड़ कटदे वक्त दा, जदों मान लो तुसीं इत्थे आ व्हीकल ते, तां आ कर्व्ड पाथ इस लाल रंग दे सर्कल दा हिस्सा वा. इस लाल रंग दा जिहड़ा सर्कल नजर आ रहा आ इस दा सर्कल दा सेंटर है, आ सेंटर है, पर ई जिहड़ा सर्कल दा सेंटर है वो इस कर्व्ड पाथ दा बोलिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज करना.
और आज जरा डिस्टेंस है सर्कल लिए तो रेडियस है, पर इस पाथ लिए असि की बोलांगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म के नाल फैमिलियर होना जरूरी है। तो कई बार पूरा सर्कल ही नजर आएगा सर्कुलर मोशन, पर कई बार टर्न लेता हुआ व्हीकल है उसके नाल रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो जदों भी टर्न लेते हुए व्हीकल की प्रॉब्लम नु सॉल्व करना ता उस रस्ते नु कर्व पाथ नु की मनना सी पार्ट ऑफ सर्कल, और उस सर्कल का जिहड़ा सेंटर है वो उस कर्व पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उस सर्कल का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड सर्कल दे रेडियस दे बराबर है, ये मान के चलनी है सीधा। हेलो सर, एला हुन पुत्र इथे तक क्लैरिटी होई है। अच्छा हुन अगली क्लैरिटी की है, बड़ा बेसिक फंडास है जो नु पकड़ लोगे काम बड़ा आसान है। क्यों सानू उन्होंने आसान कितना किया कि सर्कुलर मोशन दो तरह नाल असी डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जेदे च स्पीड कांस्टेंट रहती है, ते एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जेदे च स्पीड भी बदलती है। साड़ियां सारियां प्रॉब्लम्स कांस्टेंट स्पीड वाली ही हैं, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक ये भी गल सानू फायदा मिलेगा। और जिहड़ा सर्कुलर मोशन असी सेकंड यूनिट च कवर कीता सीगा वो इंट्रोडक्शन सी कि सर्कुलर मोशन नाल कुछ असी टर्म्स जोड़नियां जिद्दां एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन। हुण जदों तुहाडा व्हीकल या बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है या टर्न ले रही है तो एक तां उहदे नाल जुड़ेगी उहदी लीनियर वेलोसिटी वी और दूजी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हुण वी और ओमेगा दा रिलेशन सर्कल लई सानू याद रखना पैना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये नहीं भूलना आपा रिलेशन है ना, ये बड़ी जगह ते काम आना। अच्छा फिर ओमेगा दा कंसर्न टाइम पीरियड नाल भी है ते फ्रीक्वेंसी नाल भी है। दी ओमेगा नू असी 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय टी नाल भी जोड़ सकते हैं। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च किसी भी बॉडी दी एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही हुंदी है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी सर्कल च चलेगी और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? स्पीड ने बदलना नहीं। केड़ी एक्सेलरेशन होनी है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर नु होनी है? हमेशा सर्कल दे सेंटर वाले हमेशा। तो इहदा मतलब जेड़ी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है सर्कल दे है तो किसी जगह ते उहदी एक्सेलरेशन अगर शो करनी है तो वह हमेशा एरो किधर नू चला देना? सेंटर ऑफ सर्कल वाल चला देना। ठीक होगी गल? मतलब जेड़ा ए है वो एसी दे बराबर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एसी कटन का फार्मूला सानू सेकंड यूनिट दसिया गया सी वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं या एक तो रिलेशन बना के, तो डिपेंड करेगा भी सानू केड़ा इन दोनों जो यूज करना। ठीक है, ये गल याद रखनी। हूँ मतलब कि स्टार्ट आपा कीता सीगा 2 मिनट लिए उन्हों सारा सम अप करिए। सर्कुलर मोशन च सब तो पहला सर्कुलर मोशन केड़े प्लेन च हो रहा, होरिजोंटल के वर्टिकल को क्लैरिटी कर लें। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होरिजोंटल प्लेन दिया, इदा चलना काम। ठीक है, दूसरा
दूसरी गल जेड़ा सर्कुलर मोशन है उदे दौरान स्पीड ने की रहना वा कॉन्सटेंट जिन्निया प्रॉब्लम असी टैकल करनी है उदे च स्पीड कॉन्सटेंट ही है तो इस करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाल डील कर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च बॉडी दी एक्सेलरेशन इको ही होनी है केड़ी सेंट्रीमीटर हमेशा किधर नू टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस और किन्नी होनी है v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर अच्छा क्लियर है हुन अगला काम की करना किसे भी सर्कुलर मोशन नू टैकल करते वक्त उस बॉडी ते कुल किन्निया फोर्सेस लग रही हैं केड़ी केड़ी फोर्स लग रही किस किस डायरेक्शन च लग रही है वो ड्रॉ करना उत्थों शुरू करना हुन मैं एक न्यूमेरिकल तो शुरू कर रहा फिर आप आर्टिकल ते आवांगे उल्ट चलना हुन जरा क्योंकि न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली ईजी है कितना मान लो पुत्र थोड़े सामने वो कहता एक स्ट्रिंग है रस्सी ले लो छोटी जी धागा ले लो उदे एक एंड ते कोई चीज बन दियो ठीक है और दूसरा जो फ्री एंड है उन्हें हाथ च पकड़ लो इतना हुण हाथ च पकड़ के उस रस्सी दे नाल लटक रहा जो ऑब्जेक्ट है मास सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही है रस्सी नूं आपां की लैके चलते हैं मास तां हुण उस रस्सी दे नाल जिहड़ी चीज बन्नी है उहनूं घुमाना शुरू करो हुण घुमाण दे दो तरीके है जां तां आपां रस्सी पकड़ लईए है ना ते इदां घुमाईए समझ गए ऑब्जेक्ट नूं उह किहड़े प्लेन च घूम रिहा सर्कल वर्टिकल जां रस्सी पकड़ के आपां होरिजोंटल घुमाईए अच्छा इतनी अलग अलग सिचुएशंस आ गई हैं तो मैं डायग्राम दिसन लगा आप अभी किता पुत्र स्प्रिंग है ऑब्जेक्ट है इतनी लंबाई है रस्सी ना लटक रहे ऑब्जेक्ट को असि सिंपल पेंडुलम भी कह देने हैं तो इनु बॉब कह देने हैं हुन आपा की करना है इनु घुमाना हुन घुमान ले की किता आपा ਇਦਾਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੇ ਇਦਾਂ ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਨੀਕਲ पेंडुलम की कहने अपन नो कॉनिकल पेंडुलम उन ये पेंडुलम केड़ा पाथ फॉलो कर रहे हैं बॉब इतना घूम रहा है आज ना आप पॉइंट की है इस सर्कल का सेंटर है और सर्कल रेडियस है और ये जड़ा बॉब घूम रहा सर्कुलर पाथ इस बॉब ते केड़ी केड़ी फोर्स लग सकती है पॉसिबल फोर्स एक लगेगी टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी और सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगती वो चाहिए होती है तो ये गल याद रखो फोर्स लगनी है वेट टेंशन नॉर्मल रिएक्शन है ना इस तरह दी फोर्सेस तो मुझे एकदम शिफ्ट करना उठ के रखना तू भी कर और कर ला तू अपनी अगे कर ला ना इधर लैटरल
ਬਣਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚ ਗਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਪਲੇਨ ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਬ ਹੈ ਏਦਾਂ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ ਆ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਇੱਧਰ बैलेंस ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਵਾ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਏ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜੋ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ
मान लो भी असी शोरूम दे विच एक बाइक देख ले है ना, हुण उहनू खरीदण लई पैसे चाहिए है, चाहिए है। उन्होंने लिख के लाया 1,20,000 की यह बाइक है, तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वह थानू ता मिलनी है जे जेब च कैश होएगा या बैंक दे विच अकाउंट च पैसे होणगे तां चैक दे दीए, बैंक ड्राफ्ट दे दीए। 1,20,000 उन्होंने मिलेगा तो मोटरसाइकिल तुहाडी होनी है, तो 1,20,000 जिहड़ा टैग प्राइस है वह रिक्वायर्ड है, वह लग नहीं रहा भी 90,000 लिखता तो मोटरसाइकिल तुहाडा, वह लग नहीं रहा, वह चाहिए कहिंदे लै आओ तो लै जाओ, पर उहदे लई तुहानू कैश चैक बैंक ड्राफ्ट पूरा करके देना पैना। तो वही चीज इतनी है कि जदों भी बॉडी सर्कल च घूमती है तो यह नहीं कहना कि उहदे ते सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, चाहिदी है। और वह कित्थों मिलनी है, वह उन्हां फोर्सिस तो मिलनी है जिहड़ियां फोर्सिस अलोंग द रेडियस लग रही है, जिदा इस बॉडी के उपर अलोंग द रेडियस कि फोर्स लग रही है टी साइन थीटा कल्ली, ये तो मिलनी है सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी है, मतलब वो बराबर होनी है। और उन्हों करन दा बेसिक फंडा की है, जे गलती नहीं करनी आप पिछले ना जोड़ना तो तुसी की करो, सर्कल घूमती बॉडी की एक्सलरेशन किधर नू शो कर दे हो ए वालों, ते नेट फोर्स एम ए किधे बराबर लिखांगे, जिहड़ियां फोर्सिज अलोंग द एक्सलरेशन है उन्हां नू राइट साइड ते लिख के उन्हां चो प्लस के नू लिखना, जिहड़ी एक्सलरेशन वाला है नेगेटिव वो लिख लिया। और ए दी वैल्यूज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च कितनी होंगी वो पुट कर देनी अगले स्टेप, वो थोड़ी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सो आप इनू ओवरऑल असी सेंट्रीपिटल फोर्स कह दें ना, तो ये लिखना, तो हम स्टार्ट करो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन च, इनू रफली नोट करना कर लो, ये फिर अगे आप डिस्कस करांगे। रफ इन द सेंस भी हाले नू किसी हैडिंग दे अंडर नहीं लिखना, आप यू आइडिया लिया किस तरह इक्वेजन्स बनानियां सर्कल च, जिथों स्टार्ट करना वो लिखो। सेंट्रीपिटल फोर्स पहला बना दी देर वो बना लो फटाफट, 2 मिनट लाओ लपेड़ो काम इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड।
रिक्वायर्ड है और यदि वैल्यू यदि बराबर आ रही है तो सामने एफ सी देख लो एफ सी एफ दे पैर एफ सी पालो ये बराबर लिखांगे एम वी स्क्वायर बाय आर या एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और आर की है सर्कल का रेडियस एम की है बॉडी का मास वी की है स्पीड ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड की पहचान हो गई सामने हूं लिखो बेटा अगे नोट करके लिख लियो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ये कितों आती है दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एनी फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और away from the center hone dekho heading article shuru kariye motion motion of a body while taking turn on a level road level road level road का मतलब की है पुत्र आ जड़ियां ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟੇਢੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਡ ਰੋਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ एक आदमी मोड़ कट गया इदा आ रहा सी हुण आ जिहड़ा मोड़ जदों आ टर्न लै रहा आ वाला पोर्शन तो दस्सिया तुहानू मैं तो जदों व्हीकल इस लाइन दे उपर चल रहा तो उहदा रस्ता किहड़ा वा कर्व्ड पाथ है और ये पाथ पार्ट ऑफ सर्कल है वो तुसीं इहनू इदा इमेजिन कर लो भी तो आ जिहड़ा सर्कल कंप्लीट कीता इहदा जिहड़ा सेंटर है वह इस रस्ते ते चल रही बॉडी का की है सेंटर ऑफ करवेचर और आ जिहड़ा रेडियस है वह रेडियस ऑफ करवेचर और असीं यह मान के चलते हैं कि जदों टर्न लई जा रही है तो स्पीड नू फिक्स कीता भी अहीं ना घटा रहे हैं ना वधा रहे हैं इहदा मतलब इस रस्ते के उपर जिहड़ी टर्न लै रहे हैं वह किहड़ा सर्कूलर मोशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है हुण जदों असी
प्रैक्टिकली सड़क इदा वा ना कि इदा वर्टिकल नहीं है ना, इनू इमेजिन। हुण आ जिहड़ी सड़क है इहदे उपर जे कोई व्हीकल खड़ा वा चल रहा कह लो इदा वा, तो इस व्हीकल ते एक तो फोर्स लगनी है वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, नॉर्मल रिएक्शन उपर, ये दो फोर्सेस तो लगनी ही लगनी है ना। वेट किधर नु लगना और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। पर जेड़ा ये मोड़ कटन वाला सर्कुलर मोशन है ये होरिजोंटल प्लेन च हो रहा है, होरिजोंटल प्लेन च। हुण इस गल नु इत्थे जदों असीं एग्जाम दे लई ड्रॉ करना तां तुसीं इत्थे लाल रंग वाला सर्कल पूरा शो करता, आ सेंटर आ गया, आ रेडियस आ गया। हम सड़क को थोड़ी जी अपना चोरी करके दिखा दिए, तो हम थोड़ा व्हीकल जेड़ा वा बेसिकली ये सर्कल इदा वा बनाया इदा वा, तो इस करके जेड़ा इतने व्हीकल खड़ा वा, खड़ा नहीं मतलब उस इंस्टेंट पे आ जिहड़ा व्हीकल है इहदे ते कीड़ी फोर्स लगनी, एक एक कीड़ी डायरेक्शन है और आहा नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों विचों कोई भी फोर्स अलोंग द रेडियस नहीं लग रही और ये दोनों फोर्सेस सर्कुलर प्लेन दे परपेंडिकुलर है, इन्होंने तब की कर जाना है कि दूसरे को बैलेंस कर जाना, मतलब n इज इक्वल टू, पर जे बॉडी सर्कल च घूमना चाहती है उन्हें केड़ी फोर्स चाहिए है, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए है, वो कितने पासे लिखी थी इक्वेशन, नहीं इक्वेशन जो फोर्स कितने नु लिखी थी इतना इक्वेशन बनाई सी सेंट्रीपेटल फोर्स तक वैल्यू कितनी होती mb² / r, वो आपा इक्वेशन दी केड़ी साइड लिखी थी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लिखी दिया और वो किदे बराबर होती, वो होती है उस फोर्स या फोर्सेस दे बराबर जेड़ियां किधर नु लग रही हैं, हां हुण इधर आ जाओ, हुण एक गल समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जे आपां इहनूं पूरे नूं लिखना होए तां असीं कहणा कि बॉडी जदों इत्थे है तां उहदे उहदी एक्सेलरेशन किधर नूं है टूवर्ड्स द किन्नी है किहदे बराबर है एसी किहदे बराबर है स्टेप जिहड़े लिखणे आ तां इत्थे आपां एम ए किहदे बराबर लिखांगे पुत्त कोई फोर्स है इधर भी जेडी सेंटर वाल लग रही हो लग सकती है कोई व्हीकल किथे चल रहे हैं सड़क पे टायर पे सड़क चिकनी होनी है फ्रिक्शन होगी उन दो गल्लां का फर्क है देखो एक ता फ्रिक्शन लग रही है टायर दे घूमण करके रोलिंग फ्रिक्शन वो ता लगनी है जिधर नू उस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट लगनी रोलिंग फ्रिक्शन पर मोड़ कटन लई टायर नु किदा घूमना पैना आ टायर है ता है ना इदा चल रहा तो हुण मान लो मैं राइट टर्न लेनी है तो इनू टायर नु इदा डेविएट करना पैना ना जे टायर इदा ही रहा फिर तो सीधा ही चला गया मोड़ना थोड़ी है तो टायर नु इदा मोड़ना पैना हुण जेड़ा टायर है हुण कोई भी चीज है जिदा पैनी है आ पैन है ये मेरे हाथ दे नाल इदा जुड़िया तो जे मैं इस पैन नू इधर नू राइट साइड नू घुमा रहा मैं अपने वालों दस रहा थोड़े वालों लैफ्ट इदा घुमा रहा तो ये केड़ा मोशन हो रहा रोलिंग के स्लाइडिंग स्लाइडिंग हो रहा है ना स्लाइडिंग हो रहा वा तो स्लाइडिंग हो रहा वा केड़ी फ्रिक्शन हो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगी क्यों क्योंकि टायर जमीन के हिसाब नाल किधर नू जा रहा या जान की कोशिश कर रहा स्लाइड करता हुआ राइट वाल नू ठीक है तो इहदा मतलब हुण गल नू सुनियो
इनर्शिया की जाएगा, इनर्शिया जाएगा टायर सीधा जाए, तो जे आप टायर नू राइट साइड नू घुमाना चाहते हैं तो उदे लिए केड़ी फोर्स कितों आएगी? अगर चीज सीधी जा रही है ना अपने आप ही उन्हें लेफ्ट राइट नू मुड़ना, उन्हें चाहिए है फोर्स। हुण इत्थे टायर दे लई परमात्मा बन के जिन्हें आना स्टैटिक फ्रिक्शन है, उन्हें परमात्मा प्रभु का जिहड़ी कृपा करनी उहदे ते तो वह उन्हें मोड़ देना, मतलब फ्रिक्शन ने इत्थे वो रोल प्ले करना। तो फ्रिक्शन है, चैक करके देख लियो, यकीन नहीं है ना सड़क के उपर करना नहीं इदा एक्सीडेंट होएगा। तो सड़क के उपर आपां ऑयल तेल डोलता सिलिपरी हो गई, हाले फ्रिक्शन जीरो नहीं हुई, बहुत घट गई। तो सिलिपरी सड़क पर मोड़ कट के नहीं देख सकते, जिदा ही मोड़ कट्टूंगे ना ही डिग पैना। कारण भी मोड़ कट्टन लई फ्रिक्शन चाहिए है, केड़ी फ्रिक्शन चाहिए है? स्टैटिक। तो जो भी लैवल रोड से व्हीकल ने मोड़ कट्टना वा, टर्न लैनी है, ता मोड़ कटान च केड़ी फोर्स ने हेल्प करनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। और वो हेल्प ता कर पाएगी जेकर वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नू लगे? सर्कल दे सेंटर वाले नू लगे। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इस केस च कित्थों आ रही है, केड़ी फोर्स को आ रही है? फ्रिक्शन। केड़ी फ्रिक्शन को? स्टैटिक फ्रिक्शन। जे स्टैटिक ना हुए मतलब सड़क टायर दे विच फ्रिक्शन ना हुए फिर मोड़ नहीं कटिया जा सकता, टर्न नहीं लई जा सकती। ठीक है, तो लेवल रोड पे सेंट्रीपेटल फोर्स जो एमए है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है या कितनों मिल रही है वाली फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ए दी वैल्यू कितनी आ रही है नजर तुहानू? 20 के बराबर। मतलब साडी इक्वेशन इनू दो ना करके की कर दिए, इनू कर दिए नंबर 2। लिमिटिंग फ्रिक्शन काट सकते हो तुसी? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना कटी दिए केड़े फार्मूला? लिमिटिंग फ्रिक्शन दे लई म्यू एस ओवर म्यू टू एस। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यू एस, और इस केस च एन कितना वा? यूजिंग इक्वेशन 1। हुण स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वध तो वध कितनी हो सकती है? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी किसी भी हालत च एफ एल तो ज्यादा नहीं हो सकती, घट हो सकती, बराबर भी हो सकती। तो असी टर्न लेंदे हुए व्हीकल तो एफ एस की वैल्यू कितना कटी है? एफ एस की वैल्यू इन्हें बराबर कटी है? एफ एल की वैल्यू म्यू एस एम जी कटी है, एम एम कटिया गया, म्यू एस जी आर वी इज इक्वल लेस देन इक्वल टू अंडर रूट स्टैटिक फ्रिक्शन में इधर जरो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट हो ना नहीं लगती होगी कि मतलब पूरा ऊपर रेस्ट वो तो ये ऑब्जेक्ट जो टायर है ना वो मोशन करके आगे नु जा रहा है, साइड नु नहीं जा रहा, साइड नु नहीं जा रहा। दो गल्ला हम समझो, इधर देखो हम मैं उस गल्ला को क्लैरिटी करा, तो देखो ये थोड़ा है ना इनु समय ना आप पहला
लिख लो फिर आप इन एक्सप्लेन भी कर दें तो दोबारा समझाना गल नूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेशन नोट कर लिया हाले दोबारा समझने तो पहला एक और एग्जांपल लेने हैं देखो और सुनो गल जो वॉकिंग है ना तुरना इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जरा सू लगा ना भी यही ना दिल कर जो मर्जी उसे मर्जी तुर फिर सकते सू रोकन वाला तो जे मान लो थोड़े आले दुआले जो सरफेस है ना स्लिपरी कर दिता जाए स्लिपरी का मतलब हाले फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकी घट गई है तो उस स्लिपरी सरफेस से जिदा हम इतने मैं बड़ा आराम है तुरिया फिर जिनी मर्जी स्पीड बढ़ा ला घटा ला तो जो स्लिपरी सरफेस हो जाता वा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना तो फिर ए बंदा ना एक एक कदम हल्का हल्का एक एक इंच अगे ले जाता क्योंकि जिदा ही थोड़ा कदम अगे लग गया नहीं है ना इदा ही होंगी कि नहीं प्रॉब्लम चलना मुश्किल हो जाता हाले उ फ्रिक्शन जीरो नहीं है जिते जीरो है ना उ कुछ नहीं चल सकते अच्छा लगते हाथ उ भी आप गल कर लीए कि मान लो क्वेश्चन आ जाता कि मान लो ती एक वे हॉल है वो सेंटर से खड़े हैं अचानक इदा का कुछ होया होना नहीं प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना ली नंबर लैन ली सिर्फ इदा का कुछ होया फ्रिक्शन खत्म हो गई जोड़ा सारा हॉल है वो फ्रिक्शन लैस हो गया है ना सिर्फ हॉल के अंदर अंदर बाहर सड़क पर फ्रिक्शन सारी उदा भी है सिर्फ हॉल से खत्म हो गई हूँ तुम उतों बहर निकलना वा दरवाजे तक आ जाइए तो फिर नॉर्मल लाइफ हो जानी है तो कि आ सकते हम तुर के आ नहीं सकते ना रोल करके आ सकते रोल करके भी नहीं आ सकते रोल करने लिए भी फ्रिक्शन चाहिए है तो बचिया की जेनू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की समझ है रॉकेट वांग बिहेव कर लो रॉकेट ने किधर नू अगे जाना जिधर नू गैसेस ने एग्जॉस्ट गैसेस ने बाहर नू निकलना है ना तो गैसेस रॉकेट दा की सी पार्ट पार्ट सी तो हुण अगर मान लो आपा फस गए हां फ्रिक्शनलेस सरफेस ते और वो इस दरवाजे तक पहुंचना हो जे मैं इस दरवाजे तक पहुंचना ते अगर फ्रिक्शनलेस है तो मैं मतलब एक सेंटीमीटर भी अगे नहीं जा सकता तुर के ना रोल करके फिर की करना पैना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो मैं की करांगा ये मान लो मेरे हाथ च आले दुआले कोई समान है वो मैं हाथ जो पकड़िया मेरे बॉडी का पार्ट है लाइक गैसेस तो वो मैं जे मैं इधर नू अगे जाना चाहना तो उस समान नू मैं किधर नू थ्रो करूंगा इहदे उल्ट तो जिदा गैसेस पिछे नू निकल दिया रॉकेट अगे नू जांदा ना उदा ही समान इधर नू सिटन नाल मेरे ते रिएक्टिव फोर्स किधर नू लगनी दरवाजे वाले नू
तो मैं अकेले नु शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इतना दो चार बारी समान सिट के अपा शिफ्ट हो सकते, मतलब उठे फ्रिक्शन लेस सरफेस ते एक तो दूजी जगह शिफ्ट करने लिए थानू केदी हेल्प लेनी पैनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लेनी पैनी। तो ए स्टेप है, मतलब जिधर नु जाना है ना, या मतलब समान है नहीं गा तो तुसी मुंह नाल ग्लो कर सकते हवा, तो जे हवा इधर नु जा रही है तो तुसी पिछे नु जाना, वो डिपेंड करेगा भी किन्नी जोर नाल किन्नी अमाउंट हवा दी बाहर कट रहे हैं, तो उदे अकॉर्डिंगली शिफ्ट होना, पर जा सकते हैं, घबरान की नहीं लोड़। हुण आ जाओ तुरंत की गल करिए, हुण ध्यान दियो पुत्र, जदों आ फर्श है आ तुहाडे दो पैर है इदां है ना, हुण तुरन लगे दा पूरा प्रोसेस दिमाग च लैके आओ, कभी सोचते नहीं ना इस बारे, पर पैर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुरंत, और की प्रोसेस है उदो पता लगता जितन पैर पे सट लगी हो ना, तो फिर मुश्किल हो जाता तुरना। हम सोच के देखो जो आप तुरते हैं इधर देखो, तो तुरंत जे मैं इधर को तुरना तो की करांगा, आ एक पैर जमीन नाल है, दूसरा पैर की अड्डी चुकी जाऊ पहला, और पंजे नाल एक तरह नाल की कर रहे हैं पिछे नू पुश कर रहे हैं जमीन, मतलब जेड़ा पैर है जिनू जेदे नाल मैं जमीन नू पिछे नू पुश कर रहा हूं, वो पैर जमीन दे अकॉर्डिंगली किधर नू जाना चाहता वा, पिछे नू जाना चाहता, एदा मतलब जा नहीं रहा जाना चाहता वा, तो एदा मतलब पैर और जमीन च केड़ी फ्रिक्शन हो, स्टैटिक किधर नो किधर नो, जिधर नो बॉडी जाना चाहती है उस तो जो मैं इधर नो तुरना वा, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर नो है तो मेरे पैर का पंजा जमीन नो किधर नो पिछे नो जाना चाहता, तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन करके चल रहे हैं, वहां चलन करके फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की कृपा करके चल रहे हैं। तो इस करके जे कोई बंदा वॉक कर रहा नॉर्थ की तरफ तो उदे पैरां ते जमीन च केड़ी फ्रिक्शन होएगी, स्टैटिक, और किधर नू होएगी, नॉर्थ वाल नू होएगी, क्योंकि फ्रिक्शन दे कारण चलिया जा रहा ना कि चलन करके फ्रिक्शन है, समझ आई गल, तो फ्रिक्शन है जिहड़ी चला रही है, किधर नू चल रहे हैं आपां नॉर्थ वाल नू, पैरां ते जमीन च केड़ी फ्रिक्शन है, हुण तुसीं कहोगे स्टैटिक ते चल रही, दो वर्ड्स आ गए ना कॉन्ट्राडिक्टरी, तो बॉडी थोड़ी अगे नू जा रही है पर उस मूवमेंट ते पैर जमीन नाल टिकिया होया वा, फिर पैर चकदे आ उहनू अगे ले जांदे, तो चलना फ्रिक्शन करके है ना कि चलन करके फ्रिक्शन है, इस करके जिहड़ी फ्रिक्शन दसी किधर नू जिधर नू चल रहे उधर नू, यही गल अपलाई हुंदी है। सुनो हुण मान लो तुसी दौड़ रहे हैं चल रहे हैं तेज, और कई बार चलते चलते आपां की करदे हां, बच्चियां नू देखिया होना वो दौड़दे आंदे आ, जब तक वो दौड़ रहे हैं उहनां दे पैरां ते जमीन च फ्रिक्शन किधर नू लगनी है, जिधर नू दौड़ रहे उधर नू ही केड़ी फ्रिक्शन होनी, स्टैटिक, पर फिर वो की करते हैं दौड़ना बंद करके ना स्लाइड, पैरां नू दौड़ नहीं रहे घसीटते हैं स्लाइड करते, हुण जदों तुसी स्लाइड करोगे ना तो जिधर नू दौड़ रहे सीगे चल रहे सी उधर नू तुसी स्लाइड करोगे तो तुहाडे पैर हुण जमीन नाल रेस्ट ते नहीं है, हुण की है किधर नू, तो केड़ी फ्रिक्शन हो काइनेटिक किधर नू पिछे नू हो, तो अगर कोई बंदा दौड़ रहा या चल रहा फ्रिक्शन चला रही है स्टैटिक किधर नू, और जदों वो स्लाइड कर रहा पैरा नाल तो केड़ी फ्रिक्शन हो किधर नू, हुण ये गल साइकल मोटरसाइकल कार दे नाल जोड़ लो, जिहड़ा साइकल है उदा पिछला टायर
ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਪੈਡਲ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਵੱਡਾ, ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਐਸ ਜੀ ਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਕਸ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਮਿਊ ਐਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼, ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਲੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਟਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੜਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸੜਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੌੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਰਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਲ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀਏ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਔਨ ਏ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਔਨ ਏ ਬੈਂਕਡ ਰੋਡ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵਹੀਕਲ ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਟਰਨ ਔਨ ਏ ਬੈਂਕਡ ਰੋਡ। ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਆਊਟਰ ਐਜ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
जे असी इतना शो करते हैं तो इसका मतलब है दोनों किनारे बराबर है, पर बैंक रोड का इंप्रेशन देने लिए असी थोड़ा जा इतना मतलब जेड़ा बाहरला किनारा वो ऊपर उठिया तो आप बैंक रोड है और इस एंगल नु असी की कह देने हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और एक बार जेड़ी सड़क बन गई उदा थीटा का हो गया फिक्स, उदा बदल नहीं सकते जब तक नवी सड़क नहीं तैयार करो। हुन इस केस च थोड़ा ध्यान देना पर आ जेड़ी मैं लाइन है रेड कलर दी लगाई है ना, इस लाइन दी लंबाई भी दस रही है कि आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज कितना ऊपर उठिया, कितनी ऊंची है, बाहरला किनारा अंदरले किनारे तो कितना ऊपर है वो एच आल हाइट। अच्छा हुन आ की है ऑलमोस्ट सड़क दी विड्थ है, विड्थ ऑफ रोड। तो जे ये विड्थ ऑफ रोड है तो थानू इत्थे नजर आ रहा एंगल परपेंडिकुलर बेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो टैन थीटा की बन गया पर हुण इहदे च थोड़ा जिहा इहनू मॉडिफाई करन लगे ध्यान दे यो एक्चुअली सड़क जिहड़ी है ओ आ या सड़क आ नहीं है क्योंकि आ बाहरला किनारा उच्चा हो चुका ना सड़क इतना मत तो बेसिकली आ या विड्थ ना कि आ वाली विड्थ, समझ गए गल नू? मतलब ऐसा एडी चौड़ी सड़क है पर इतने मिट्टी पा के एडा उच्चा करता तो सड़क इदा बनी है इनकलाइन, तो सड़क की चौड़ाई आ वाली है एक्चुअली आ नहीं है। इहदा मतलब इहदे हिसाब नाल परपेंडिकुलर बेस ते हाइपोटेन्यूज मतलब एच वाई डबल्यू साइन थीटा है ना कि लार्ज एंगल, पर अगर इस एंगल की वैल्यू हैगी है 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री तक अप टू 15 डिग्री फिर असी 15 डिग्री तक एंगल नूं की मानते हैं स्मॉल एंगल। तो जे स्मॉल है तां साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही आनी है टेबल को देख सकते, मतलब जो साइन का टेबल है कॉस का टेबल है टैन का टेबल है उहदे च साइन 8 डिग्री की वैल्यू तो टैन 8 डिग्री की वैल्यू देखी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि कॉस 8 डिग्री ऑलमोस्ट 1 ही है। तो इस करके ये रिजल्ट भी बड़ी जगह पे यूज होता है, मतलब मैथ का रिजल्ट फिजिक्स यूज होना तो इसका मतलब उस केस च अगर आ थीटा बहुत छोटा हुआ तो असी साइन थीटा की जगह की लिख सकते हैं टैन टैन की जगह पर अदरवाइज बैंक रोड की विड्थ केड़ी है आया एक्चुअल विड्थ आया ना कि याद रखना बैंक रोड बारे लिख लो एक लाइन बैंक रोड है कि व्हेन आउटर एज ऑफ when outer edge of road is raised with respect to its inner edge then road is called bank road, dot diagram बना लो।
बैंक रोड बारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये साइड पे नोट कर लो। काफी ना बात है यार, 2 मिनट का ले। जाना तो निकल जाए करो चुप करके। हूँ नहीं होएगी। तो बिना फ्रिक्शन के मोड़ काट के देखेंगे।